दिल्ली में एक स्कूल में प्रद्युम्न जैसे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। छात्र की मां के मुताबिक उसके बेटे तुषार की स्कूल के बाथरूम में पीट पीट कर हत्या कर दी गई और हत्यारे कोई और नहीं बल्कि उसकी ही क्लास के स्टूडेंट्स है। बेटे की मौत के गम ने इस मां को बदहवास कर दिया है, लेकिन मां ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ देखा उससे साफ है कि तुषार को स्कूल के ही उसके क्लास के छात्रों ने पीट पीट कर मार डाला। तुषार दिल्ली के करावल नगर के जीवन ज्योति स्कूल का स्टूडेंट था। तुषार की मां ने कहा कि जिस लड़के ने चार साथियों के साथ मिलकर तुषार के सिर और गर्दन पर घुसे मारे उससे दो महीने पहले भी तुषार का झगड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बच्चों की यह लड़ाई जानलेवा दुश्मनी तक पहुंच जाएगी। हैरानी की बात यह है कि स्कूल ने शाम तक इस बात को छुपा कर रखा और कहा गया कि तुषार की मौत लूज मोशन के बाद तबीयत बिगड़ने से हुई। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के आरोपी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन सदमे में डूबी इस मां को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। मां को शक है स्कूल के दबाव में आकर आरोपी लड़कों को बचाया जा सकता है, इसलिए वो CBI जांच की मांग कर रही है। इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।